जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक तो आज सारा दिन की सूरत हाल दोबारा से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ये बताऊँगा आज मार्केटों में सारा दिन क्या चलता रहा, मार्केटों में सोने के रेट्स में इजाफा हुआ, मार्केटों में सोने के रेट्स में आज कमी देखने को मिली। आपको ये बताऊँगा आज ज़्यादा से ज़्यादा सोना कितना महंगा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे आ चुका और जितनी भी इसकी मज़ीद अपडेट्स आना बाकी है, यानी क्लोजिंग टाइम तक सोना मज़ीद कितना नीचे आ सकता है, दोबारा से कितना ऊपर जा सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है या कम है, ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और खसूसन इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की क्लोजिंग रेट के मतलब भी बात करेंगे कि आज क्लोजिंग अमेरिकी डॉलर ने इंटरबैंक में किस रेट पे दिया। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से तो हम लगातार यही देख रहे हैं, डॉलर 307 को टच करने के बाद अभी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि इसने 290 को भी तोड़ दिया और 285 को भी तोड़ दिया, अभी 283 यानी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। को ये भी बताएंगे अगर अमेरिकी डॉलर मजीद डिक्रीज होता है तो सोना आपका कितना नीचे आ सकता है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग के मतलब दोबारा से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ तो जरूर बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा बाइंग सेलिंग के मतलब, और खसूसन जिन दोस्तों की हाई रेट की बाइंग है उन्हें मजीद कितना सब्र करना पड़ सकता है, मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ, ये भी आपको खसूसन एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है और जो भी फ्रेश बाइंग करने के इंतजार में बैठे हैं उन्हें मजीद कितना इंतजार करना, किस रेट पे बाइंग करनी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकिन मेरी हर वीडियो यार लाजमी से देखा करें, बार बार इसलिए आपसे ये कहता हूँ कि हर वीडियो में एक वीडियो दूसरी वीडियो के साथ लिंक होती है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम इंटरबैंक से आगाज़ करते हैं। फाइनली आज भी इंटरबैंक ने 1 रुपये माइनस में क्लोजिंग दी, जो कि तकरीबन 2-3 अपडेट्स के बाद 1 रुपये पे अटक चुका था। लेकिन यहाँ पर बता दूँ कि ये 85 पैसे भी आ चुका था, जो कि उम्मीद थी कि आज 55 तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इसने क्लोजिंग जो है ना 1 रुपये पे दी, यानी कि अगर बाइंग रेट की बात करें 283 रुपये 55 पैसे, अगर सेलिंग रेट्स की बात करें 283 रुपये 65 पैसे। पहले एक्सप्लेन किया है कि इसने 1 रुपये पे जो है ना क्लोजिंग दे दी है। अच्छा जी, अब ज़रा पाकिस्तान में सोने की कीमतों के मतलब बताती हैं। लेकिन आगाज़ वाली वीडियो में और 12 और 1 वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ कहा था इंटरनेशनल मार्केटों के मतलब, आज इंटरनेशनल मार्केटों में डाटे जो है ना वो काफ़ी अहम है, लेकिन ये तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डाटे गुड है या फिर बैड है। सबसे पहले हम रेट्स जानते हैं, डिस्कस जो है ना वीडियो के आगे जाकर करेंगे। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट ने अभी जो है ना ये 1827 को तोड़ चुकी है, 1820 को भी तोड़ चुकी है, यानी कि अभी नीचे है। ये तो मैं आपको बता दूंगा, अभी ये 18, 15, 16, 17 पे ट्रेड हो रही है। पीस गोल्ड की बात करते हैं जनाब, सेलिंग में 188,800 रुपये, अगर बाइंग रेट की बात करें 188,500 रुपये। पटोर गोल्ड की जानब बढ़ते हैं जनाब, अगर बाइंग सेलिंग रेट की बात करें 186,000 रुपये और अगर बाइंग की बात करें 185,000 रुपये। कराची में सेलिंग रेट्स की बात करें 187,700 रुपये। अब आपको ओपन मार्केट में बाइंग रेट बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा बता दूं कि आज भी बिलियन से कोई रेट नहीं निकला। पेशावर में भी जितने रेट्स हैं अभी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट्स आई है, कराची और पेशावर के जो रेट्स हैं ये कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, यूरो की बात करें 295 रुपये, रियाल आपका 74 रुपये 85 पैसे, दरहम आपका 77 रुपये, पाउंड आपका 340 रुपये और जो डॉलर है 282 रुपये, यानी कि डॉलर की स्टेबिलिटी बरकरार है आज भी ओपन करेंसी मार्केट में। लेकिन यहाँ पे मैं ना एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यार, गुजारिश करता हूँ कि अपनी राय दिया करें, कुछ कहा करें, कुछ बोला करें, मैं आपके जब कुछ पूछता हूँ तो यार उसका रिस्पॉन्स दे दिया करें। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 183 रुपये से ऊपर है, 283 से ऊपर है और ओपन मार्केट में 281 है, ये जो अभी इसमें गैप है ये क्यों और किस वजह से है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, और हो सके तो आपको मैं सुबह वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं ना आपको बाइंग सेलिंग के मतलब खसूसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले जिनकी हाई रेट की बाइंग है, देखें जनाब अगर लॉस की बात करें तो मैंने जहाँ तक देखे हैं दोस्त, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को 100-200 की बात छोड़ दें, 1000-2000 की भी बात छोड़ दें, 10-20 हज़ार की भी बात छोड़ दें, बल्कि लाखों की बात करें जनाब, लोगों को गोल्ड में इतना नुकसान है। लेकिन मैं तो यार यही कहूँगा कि गोल्ड से निकलना अब क्यों है, अगर आपने निकलना था जब गोल्ड 212 पे था, गोल्ड 220 पे था,
तब आप मार्केट से एग्जिट करते, क्यों निकले क्यों नहीं निकल सके, इसलिए तो कहता हूँ कि सर्विस पेड ले लिया करें, वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो डीपली दी जाती है। देखिए यहाँ पे तो मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ ये करें वो करें, लेकिन यहाँ पे जो है ना टांगे खींचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग जो है ना किसी बात का मजाक उड़ाने के लिए भी बहुत से लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे वही बात की जाती है जिसका जो है ना वही दोस्त समझ सकते हैं जो कि समझदार हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो है ना वो बात सुनने के साथ ही आप कमेंट बॉक्स देकर उठाकर देख लें, बहुत से बैड कमेंट आते हैं कि ये हो क्या रहा है, इससे ज़्यादा तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मेरा भी दिल करता है कि आपको वही बात बता दूँ कि आने वाले दिनों में आपको होगा क्या, लेकिन आज जो बैड कमेंट करते हैं उनकी वजह से ना आपको ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन डीपली दी जाती है ना व्हाट्सएप की सर्विस में यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जाती। देखें जिनकी बाइंग जो है ना 20-30+ की है ना, गालबन 30+ की है, जिसमें 35 वाले भी शामिल हैं, जिसमें 40 वाले भी शामिल हैं, ये पीस की बात कर रहा हूँ, 12,150 की नहीं, पेशावर वालों की नहीं, वो तो हमसे वैसे भी 7,000-8,000 रुपये ऊपर होती हैं, वहाँ पे 12,150 होता है और हमारे 11,664 मिलीग्राम। देखें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप 20 उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है कि 20 के बाद अब आपकी मार्केट जो है ना ये स्टेबल होना शुरू होगी, लेकिन अब ये देखना है क्योंकि मार्केटें उठाकर देख लें, कहीं पे भी जाकर देख लें, सिर्फ एक आवाज़ है डॉलर डिक्रीज, यानी कि हर बंदा जो है ना यही बात कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना बिल्कुल पैनिक हो चुकी है। यानी कि गोल्ड का काम मैंने रात को भी कहा था कि ठप होने के बराबर है, यानी कि पंजाबी में चोई के गोल्ड का काम जरा भाई जी तबाह होने लगा जे, तुसी बेहतर जो है ना इस बात को समझ सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केटों में किस तरह की सिचुएशन है। ज़्यादा लॉन्ग वाइस नहीं करेंगे, सुबह वाली वीडियो में मज़ीद जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।